लीजिए इस समय जयपुर सिटी बिटवीन बीकानेर के बीच मुकाबला इस समय जो आप देख पा रहे हैं ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 का ये स्टेट लेवल पे एक और कड़ा मुकाबला जोधपुर में आयोजित जैसा गया। अब की बार जयपुर की बजाय अंतिम जो चरण है स्टेट लेवल का जोधपुर में आयोजित किया गया। खामोशी वापस लौटी जयपुर जम्बो इस समय बढ़त बनाता हुआ बीकानेर के ऊपर चार के डिफेंस में इस समय बीकानेर दबाव में दिखता हुआ और कोशिश होगी जयपुर को जयपुर की कि बीकानेर को जल्दी ऑल आउट किया जाए। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी एक से बढ़कर एक जयपुर की टीम में और पिछले साल बहुत अच्छा खेल खेला था हालांकि फाइनल में नहीं पहुंच पाया था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यहाँ जयपुर जम्बो देखिए पूरी फॉर्म में दो नंबर पे बहुत बेहतरीन रेडर हैं। प्रयास इस समय बीकानेर का पॉइंट की तलाश में इतना आसान नहीं जयपुर की झोली से पॉइंट निकाल पाना। एक बार फिर हो नारबालिका जयपुर से आगे बढ़ती भी चार का डिफेंस पॉइंट गंवाया तो फिर सुपर टेकल का संकट होगा, इसलिए कोशिश यही कैच करते हुए पॉइंट अर्जित किया जाए और यहाँ नियंत्रण खोया एक अंक गंवाया कैच करने का प्रयास लेकिन कॉर्नर पे छूकर तेजी से पिंक सिटी जयपुर पहुंच गई जोधपुर से और यहाँ एक पॉइंट सिर्फ। चार के डिफेंस से पांच में आ गया है बीकानेर। ये लंच से पहले का संभवतः अंतिम मैच, उसके बाद शाम 4 बजे मैच शुरू होंगे, देखना ना भूलें। एक से बढ़कर एक कड़े मुकाबले और एक बालिका के होठ पे चोट लगी है जयपुर की जो इस समय दुविधा में दिखाई दे रही। यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कैच किया है, बाहर जाना होगा। जयपुर मजबूत होता हुआ इसमें बढ़त जयपुर के पास लेकिन जूझता हुआ इस वक्त बीकानेर। ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक बोनस के साथ स्कोर में इजाफा लेकिन यहां देखते हैं इस वक्त चार के डिफेंस से बाहर आता है कि नहीं। लक्ष्य तक पहुंचते हुए जी हाँ सिर्फ एक लौता पॉइंट। इसी के साथ ऑफिशियल टाइम आउट, स्कोर इस समय 14 बीकानेर जबकि 22 पिंक सिटी जयपुर। 8 अंक की बढ़त इस समय गुलाबी नगरी के पास है और गुलाबी नगरी अपने रंग में नजर आता हुआ। जयपुर की एक बालिका को चोट लगी इसलिए सब्स्टिट्यूट को अंदर लिया गया है और यहाँ लंबी उड़ान, क्या कमाल का गोता लगाया डिफेंडर बीकानेर को छकाया। अब स्कोर बढ़ता हुआ 23-14 के मुकाबले 9 अंकों की बेशकीमती बढ़त। थोड़ा सा विलंब से जुड़ने के लिए खेद है दोस्तों और यहाँ लीजिए कैच करने का प्रयास मगर नाकामयाब। 15वां पॉइंट जाता हुआ इस वक्त बीकानेर के बाग में, यानी कि अब बढ़त सिर्फ 8 अंक की जयपुर के पास लेकिन लगातार प्रयास। कॉर्नर पे मिलेगा पॉइंट, मौके की तलाश में और पांव से छू लिया। 24 स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ देखिए बढ़त फिर से 9 की। कॉर्नर पे एक बार फिर तलाश दोनों ही तरफ से लेकिन नाकामयाब। जयपुर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी जयपुर की टीम में समूह माया भी दिखाई दे रही हैं, कहीं धूप और कहीं छाया, प्रभु की ये माया। डिफेंस एकता के साथ दिखाई देता हुआ जयपुर का और डिफेंस जितना मजबूत होगा उतना दबाव रेडर के ऊपर दिखाई देगा।
काफ़ी प्रभावित करती हुई बालिका जयपुर की। पिंक सिटी जयपुर से होनार दो का डिफेंस आसान नहीं होगा कैच करना। दो के डिफेंस में सुपर टेकल, कैच करें फिर तो दो पॉइंट जाएंगे सीधे बीकानेर को। और यहाँ कैच किया है, अब मुश्किल में है जयपुर पहुँचता हुआ इस समय, रोकने में कामयाब, बच गई सिटी। दो पॉइंट बीकानेर के बाग में, और क्या गजब का टेकल किया, दो पॉइंट मिले हैं सुपर टेकल में। और यहाँ इधर से कैच किया है, एक अंक जरूर कुछ हद तक वापसी जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन सुपर टेकल नहीं था इसलिए सिर्फ एक अंक। फिर से सुपर टेकल में दिखाई देता हुआ दो का डिफेंस, और यहाँ आउट एक खिलाड़ी, और यहाँ ऑल आउट का मौका है इस वक्त अंतिम बाली का। आसान नहीं होगा कैच करना इस वक्त, बचाव करने की कोशिश से बैकफुट पे जाते हुए कभी उधर कभी इधर, और यहाँ सेल्फ आउट इधर से भी। जी हाँ, यहाँ ऑल आउट बीकानेर, और दूसरी बार ऑल आउट किया बीकानेर को जयपुर ने, चार पॉइंट जाते हुए जयपुर की झोली में। ऑल आउट के साथ ही जयपुर पहुंच गया है 30 पे, वही बीकानेर 17 पे, यानी 13 अंकों की बढ़त है। और समय कम बचा है क्योंकि अच्छी खासी लीड भी है इस वक्त जयपुर के पास, दबाव बहुत ज़्यादा होगा बीकानेर पे। और यहाँ कैच करने का प्रयास है, और लालच में आ गए, समय था लक्ष्य तक पहुँचने का, लेकिन ढिलाई बरती कहीं ना कहीं, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा बीकानेर को। बड़ी रेड हो सकती थी, लेकिन इंतज़ार किया तो मुश्किलें बढ़ गई, बाहर जाना पड़ा रेडर को। 31 स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 17 के मुकाबले, 14 अंकों की बढ़त अब। एक बार फिर जयपुर की होनार बालिका बोनस के साथ, यानी 32 स्कोर। बीकानेर संकट में इस वक्त, और समय को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता कि वापसी करना बहुत मुश्किल। बोनस का प्रयास और मिल गया पॉइंट, बोनस के रूप में ही सही। 18 स्कोर अब, 18-32 यानी 14 अंकों की बढ़त, और अच्छी खासी लीड क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं, और रेड आउट ल्यूज कंठ है, सही फैसला। बीकानेर को जाता हुआ पॉइंट 19-32, और यह बलो करने का प्रयास, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते हुए शायद एक ही पॉइंट है। जी हाँ, 20-32 का स्कोर, 12 अंक की बढ़त। और जयपुर की कोशिश होगी समय लगभग पूरा लिया जाए, जो 30 सेकंड का होता है, हर रेड के ऊपर यही प्रयास होना चाहिए, जोखिम उठाने की जरूरत नहीं। बोनस लीजिए 33, इसी के साथ बच गई सिटी, और मुकाबला यहां पिंक सिटी जयपुर जंबो ने जीत लिया। बहुत ही शानदार खेल दिखा और बीकानेर को पराजित किया। तीसरे राउंड में पूछता हुआ गुलाबी नगरी जयपुर, खेल भावना का परिचय। तो जोधपुर से एक बार फिर मैं गजानन दोबड़ा आपको वापस ले चलता हूँ, जैसे अगला मैच शुरू होगा मैं फिर हाजिर रहूँगा। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।